इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर, जो किसान पिछले 50 दिनों से अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए थे, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कुछ विषयों पर संशोधन जारी थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक के लिए यह रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने जिन कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे समय से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया, कोर कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता नकुल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नकुल, इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए अंजलि, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 50 दिनों से किसान डटे हुए थे। समस्या का समाधान निकाल पाने के लिए केंद्र सरकार भी विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गहरी नाराजगी भी इस पर जताई थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी दिया। मुख्य न्यायाधीश जो एस एल बोबड़े से जब केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपील करते हुए पूछा था, कहा था कि वह कोई भी आदेश आज जल्दबाजी में पारित नहीं करे और इस मामले में कुछ और वक्त दिया जाए, तो सीजीआई ने बरसते हुए कहा था कि हमने आपको बहुत वक्त दे दिया, हमारे धैर्य पर आप लेक्चर न दें, हम यह तय करेंगे कि आदेश कब पारित किया जाए। और आज सुप्रीम अदालत ने आज मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुना दिया, जो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आज लाए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल चीफ जस्टिस की ओर से अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया है, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था अंजलि जी, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा था। जी नकुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी को बनाने का हवाला दिया है, वह कमेटी किस तरह से काम करेगी, कैसे किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ये कानून जो है तब तक स्थगित रहेगा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले ही कमेटी का विरोध किया गया था, लेकिन कमेटी के सामने पेश होने के लिए किसानों ने भी साफ तौर से इनकार कर दिया था, लेकिन मंगलवार को आज जो सुनवाई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेंच में हुई है, तो किसानों ने इस पर भी अपना सहमति जाहिर की है और ये जो कमेटी काम करेगी इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से पूरा काम होगा, जिसमें किसानों के जो कृषि कानून का जो समर्थन कुछ किसान कर रहे थे उनको भी सुना जाएगा और जो विरोध कर रहे थे उनको भी सुना जाएगा। सुनने के बाद में पूरा कमेटी एक निर्णायक भूमिका तय करेगी, एक रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इस कानून पर तब तक स्थगित रहेगा। अंजलि जी नकुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसानों के आंदोलन पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जहां तक लगता है कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है कहीं ना कहीं इन तीन कृषि बिलों को वापस लेने के लिए पुरजोर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान क्या इस कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर अपनी सहमति जाहिर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मोटा मोटी अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसान इसके प्रति अपना झुकाव भी दिखा रहे हैं इस कमेटी के लिए, और जो भी आगे कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसमें कहीं ना कहीं किसान सहमत भी हो सकते हैं। जी नकुल, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया उनमें किन लोगों को शामिल किया गया? अंजलि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल चार लोग शामिल हैं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी जो कृषि विशेषज्ञ हैं, और अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि
बीते दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई गई थी। साथ ही केंद्र ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभी सरकार किसानों में बातचीत हो रही है। हालांकि अदालत ने ये साफ कर दिया है कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, सरकार का रुख सही नहीं है किसानों के आंदोलन को देखते हुए जी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कमेटी तैयार की गई है, किसानों के संगठन से भी इसमें लिए गए हैं, और अब ये भविष्य तय करेगा कि ये रिपोर्ट कहां तक अपनी इस रिपोर्ट को सौंपती है, किसानों के फेवर में जाता है या किसानों के विरोध में जाता है। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई। साथ ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया है उनका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी।